गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट मॉडल आउट ऑफ एन एम्प्टी मैजिक बॉक्स. तो कल हमने मॉडल आउट ऑफ एन एम्प्टी मैजिक बॉक्स के बारे में पढ़ा था, इन विच वी हैव सॉ हाउ टू मेक अ मॉडल ऑफ मैजिक बॉक्स. तो हमने वहाँ पे एक मॉडल क्रिएट किया था मैजिक बॉक्स के यूज़ से. सो, वो मॉडल कौन सा था? ट्रेन. तो हमने मैजिक बॉक्स यूज़ करके एक ट्रेन का मॉडल क्रिएट किया था. सो विथ हेल्प ऑफ मैजिक बॉक्स वी हैव क्रिएटेड द मॉडल ऑफ ट्रेन. सो द मटेरियल वी रिक्वायर्ड फॉर टू प्रिपेयर द मॉडल ऑफ मैजिक बॉक्स ट्रेन वॉज पेपर, मैजिक बॉक्स, देन डेकोरेटिव थिंक, ग्लू एक्सेट्रा. तो ये सारे मटेरियल्स हमने यूज़ किए और हमने एक डेकोरेटिव ट्रेन प्रिपेयर किया था. तो उन्होंने हमें स्टेप भी बताए थे, जैसे कि रोल पेपर स्ट्रिप इन सिलेंड्रिकल शेप, स्टिक द एंड ऑफ द रोल पेपर विद ग्लू, नाउ देन स्टिक टू पेपर्स रोल बिलो ईच मैच बॉक्स, ओपन द एंड ऑफ द मैच बॉक्स एंड इंसर्ट इट in one another box to make a long train. The first matchbox should be placed straight as shown in the picture. Then we have covered the first matchbox with the paper strip in a circular form to make an engine. Then we have rolled a strip and pasted it on the engine to make a chimney. Then we have inserted the cotton in that chimney. Also, if we have not used cotton, then we have used a crepe paper which we insert in that chimney. Then we have decorated the engine and train with the decorative material. So with help of all this material and with help of all this tape, we have prepared a nice matchbox train. तो ये सब material और ये सब steps follow करके हमने एक अच्छा सा model बनाया. matchbox से हमने एक अच्छा वाला model बनाया और वो model का कौन सा था? train था. फिर वो train हमने कल कैसे बनाने का वो हमने सीखा था. तो अभी जो मैं आगे वीडियो दिखाने वाली हूँ तो वो शॉर्ट रिकैप है. तो जो कल हमने सीखा था कैसे ट्रेन बनाने की, उसका एक शॉर्ट वीडियो मैं फिर से आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि आपको वो सब स्टेप याद रहने चाहिए. इसलिए मैं फिर से ये वीडियो में दिखा रही हूँ. तो आपको वो फिर से वो सब स्टेप्स और मटेरियल जो जो हमें एक मॉडल आउट ऑफ एन एम्प्टी मैच बॉक्स बनाने के लिए, ट्रेन बनाने के लिए रिक्वायर्ड था, वो फिर से मैं ये वीडियो में दिखा रही हूँ. तो आपको जो अभी मैं वीडियो दिखाने वाली हूँ फिर से एक बार देखना है. सो लेट स्टार्ट आ वीडियो.
So student, I hope you have understood how to make model out of an empty matchbox. तो ये वीडियो फिर से देखने के बाद आपको फिर से वो सब स्टेप्स और मटेरियल जो हमने यूज़ किए थे ट्रेन बनाने के लिए वो आपको फिर से मालूम पड़ा है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट मॉडल आउट ऑफ एन एम्प्टी मैच बॉक्स विच वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर एंड इन टूडेज लेक्चर वी हैव जस्ट रिकैप्ड इट. नाउ इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दैट पार्ट दैट वॉज मॉडल आउट ऑफ एन एम्प्टी बॉक्स मैच बॉक्स. तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मॉडल आउट ऑफ एन एम्प्टी मैच बॉक्स का सेकेंड टॉपिक है. उसका ही सेकेंड टॉपिक पेज नंबर 80 के नीचे उसका ही सेकेंड टॉपिक दिया गया है. दैट इज मेक आइस कैंडी यूजिंग एन एम्प्टी मैच बॉक्स. तो मैच बॉक्स का यूज़ करके हम आज आइस कैंडी बनाने वाले हैं. सो स्टूडेंट आर यू रेडी टू लर्न द न्यू एक्टिविटी. वेरी गुड. सो लेट अस स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज मेक आइस कैंडी यूजिंग एन एम्प्टी मैच बॉक्स. सो लेट अस स्टार्ट अ टॉपिक. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू ओपन योर EVS कम्बाइंड बुक. तो बच्चों आपकी EVS की कम्बाइंड बुक ओपन करो. रिमूव पेज नंबर 80. पेज नंबर 80 खोलो. जो उसके नीचे मेक आइस कैंडी यूजिंग एन एम्प्टी बॉक्स दिया है वो हम रीड करेंगे, फिर उसको हम समझा लेंगे और उसके बाद वो आइस कैंडी कैसे बनाते हैं, उसके लिए कौन से वस्तुओं की ज़रूरत है वो हम देखने वाले हैं. सो फर्स्ट ओपन योर EVS कम्बाइंड बुक पेज नंबर 80. सो आई होप यू हैव ओपन योर EVS कम्बाइंड बुक. वेरी गुड. सो नाउ लेट अस सी व्हाट ऑल मटेरियल एंड व्हाट ऑल स्टेप्स आर बीन डन टू मेक अ आइस कैंडी. फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट इज आइस कैंडी. आइस कैंडी क्या है? तो आइस कैंडी यानी दो प्रकार का कैंडी रहता है. देर आर टू टाइप्स ऑफ कैंडी. फर्स्ट इज नॉर्मल कैंडी एंड सेकेंड इज आइस कैंडी. नॉर्मल कैंडी यानी जो चॉकलेट्स रहते हैं, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है चॉकलेट, यस वो नॉर्मल कैंडीज है. फिर वो नॉर्मल कैंडीज हमें स्टिक्स में भी आते हैं, लॉलीपॉप्स में भी आते हैं, या तो वो रैपर में भी आते हैं, उसे हम चॉकलेट कैंडी या नॉर्मल कैंडीज कहते हैं. तो ये नॉर्मल कैंडीज है. आइस कैंडीज, आइस कैंडी यानी जो आइसक्रीम की कुल्फी रहती है उसे हम कुल्फी कहते हैं. आइस की कुल्फी या मलाई कुल्फी या मिल्क की कुल्फी, उसको हम आइस कैंडी कहते हैं. जो आइसक्रीम का एक पार्ट रहता है उसे हम आइस कैंडी कहते हैं. सो कैंडी के दो पार्ट है, दो टाइप्स है. फर्स्ट इज नॉर्मल कैंडी या चॉकलेट कैंडी एंड सेकेंड इज आइस कैंडी. सो आज हमें जो बनाने के लिए बोला है वो है आइस कैंडी. हमें नॉर्मल कैंडी नहीं बनाने के लिए बोला है, हमें चॉकलेट कैंडी नहीं बनाने के लिए बोला है, हमें बोला है आइस कैंडी. सो आइस कैंडी का पिक्चर आपको दिख रहा है. सो दिस इज द आइस कैंडी. आइस कैंडी यानी आइसक्रीम की कैंडी, उसे ही हम आइस कैंडी कहते हैं. आइस यानी बर्फ, आइस को हम बोलते हैं बर्फ. और कैंडी यानी जो स्टिक्स रहती है, जो वो आइस के नीचे स्टिक की जाती है, उसके नीचे लगाई जाती है, उसे ही हम आइस कैंडी कहते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज आइस कैंडी. सो इन योर बुक व्हाट मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर आइस कैंडी आर. मटेरियल रिक्वायर्ड आर वन एम्प्टी मैच बॉक्स, कलर क्राफ्ट पेपर, आइसक्रीम स्टिक, ग्लू एंड डेकोरेटिव मटेरियल. तो आइस कैंडी प्रिपेयर करने के लिए हमें ये सब मटेरियल की ज़रूरत है. तो कौन से मटेरियल की ज़रूरत है? तो हमें एक मैच बॉक्स की ज़रूरत है. तो हमें कैंडी बनाने के लिए एक ही मैच बॉक्स चाहिए, मैच बॉक्स की ज़रूरत है, और वो भी मैच बॉक्स एम्प्टी चाहिए. देन कलर क्राफ्ट पेपर, फिर हमें कलर क्राफ्ट पेपर की ज़रूरत है. आपके पास क्राफ्ट पेपर नहीं है तो आपके पास कोई भी दूसरा कलर पेपर होगा तो आप यूज़ कर सकते हैं. वो पेपर क्यों? क्योंकि हमें वो जो मैच बॉक्स है उसके ऊपर चिपकाना है. देन आइसक्रीम स्टिक, कैंडी के नीचे की जो स्टिक रहती है उधर हम आइसक्रीम की जो स्टिक है वो लगाने वाले, क्योंकि आइस कैंडी बनाने वाले. आइस कैंडी एक आइसक्रीम का ही पार्ट है. सो आइसक्रीम के पार्ट के लिए हमें आइसक्रीम स्टिक की ज़रूरत है. फिर वो आइसक्रीम स्टिक और वो पेपर चिपकाने के लिए हमें ग्लू की ज़रूरत है. ग्लू यानी गम. सो वी रिक्वायर गम एंड डेकोरेटिव मटेरियल. हमारी कैंडी अच्छी दिखनी चाहिए, इसके लिए उसको डेकोरेट करने के लिए जो भी आपके पास डेकोरेटिव थिंग्स है लाइक शाइनिंग्स एंड ऑल, यू हैव टू यूज़ इट. सो हमें डेकोरेटिव मटेरियल की भी ज़रूरत है. सो हमें कौन से मटेरियल की ज़रूरत है आइस कैंडी प्रिपेयर करने के लिए, फिर से हम देखते हैं.
So material that we require to prepare an ice candy is 1 empty matchbox, color craft paper, ice cream stick, glue and decorative materials. इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो जो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ. तो आपको वो वीडियो में आपको दिखेगा कि कौन सा सामान हमें आइस कैंडी बनाने के लिए चाहिए. देन नाउ लेट अस सी व्हाट ऑल स्टेप्स आर गिवन इन योर ईवीएस कंबाइंड बुक. सो द स्टेप्स टू प्रिपेयर आइस कैंडी आर, टेक एन एम्प्टी मैच बॉक्स. तो आपको पहले एक एम्प्टी मैच बॉक्स लेना है जो पिक्चर में उन्होंने दिखाया है. देन आफ्टर टेकिंग एन एम्प्टी मैच बॉक्स, पेस्ट डिफरेंट कलर पेपर स्ट्रिप. या तो आप जो मैच बॉक्स लिया है उसके ऊपर आप कलर कलर्स के स्ट्रिप चिपका सकते हो, या तो पूरा एक कलर का पेपर चिपका सकते हो. वो मैंने डिटेल में आगे के वीडियो में बताया हुआ है. तो वो जो मैच बॉक्स है खाली, उसको आपको डेकोरेट करना है पेपर से. तो आप कलर कलर पेपर के स्ट्रिप कट करके उसको चिपका सकते हो, या तो आप एक ही कलर का पेपर चिपका सकते हो, वो आपके ऊपर है. सो पेस्ट डिफरेंट कलर पेपर स्ट्रिप. नाउ पेस्ट एन आइसक्रीम स्टिक एट द बैक ऑफ बॉक्स. फिर आपको क्या करना है, जो आइसक्रीम स्टिक है वो आपको बॉक्स के पीछे चिपकानी है. या तो आप वो आइसक्रीम स्टिक बॉक्स के पीछे चिपका सकते हो, या तो बॉक्स के अंदर होल बना के उसके अंदर डाल सकते हो. सो टू ऑप्शंस आर देयर. या तो वो आइसक्रीम स्टिक आप बॉक्स के पीछे चिपका सकते हो, या तो वो आइसक्रीम स्टिक को आप बॉक्स के अंदर डाल सकते हो, होल बना के डाल सकते हो. सो इट्स योर चॉइस. फिर वो आइसक्रीम स्टिक अगर आप पीछे चिपका रहे हो तो आपको ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी. अगर आप बॉक्स के अंदर डाल रहे हो तो आपको ग्लू की ज़रूरत नहीं. नाउ आफ्टर पेस्टिंग एन आइसक्रीम स्टिक एट द बैक ऑफ द बॉक्स, डेकोरेट द आइस कैंडी यूजिंग डेकोरेटिव मटेरियल. फिर हमारी आइस कैंडी प्रिपेयर है. फिर आइस कैंडी प्रिपेयर होने के बाद आपको वो आइस कैंडी को डेकोरेट करना है, तो आप डेकोरेट मटेरियल यूज़ कर सकते हो, जैसे शाइनिंग एंड ऑल. सो वो डेकोरेट करने के बाद वो डेकोरेट आप या तो आप स्टिक कर सकते हो, और एल्स यू कैन स्टिक दैट डेकोरेटिव थिंग्स विद गम्स, और एल यू कैन अप्लाई डायरेक्ट स्टिकिंग ऑल्सो. सो लाइक दिस यू कैन डेकोरेट योर कैंडी. नाउ दिस वॉज ऑल थिंग्स गिवन इन योर ईवीएस कंबाइंड बुक ऑन पेज नंबर 80. तो आपकी ईवीएस कंबाइंड बुक में दिया हुआ था. तो आगे की वीडियो में मैंने मेरे तरीके से बनाया हुआ है. या तो आप वो तरीका यूज़ कर सकते हो, या तो जो बुक में स्टेप्स दिए हैं वो भी यूज़ कर सकते हो. सो नाउ लेट अस सी व्हाट ऑल मटेरियल्स वी रिक्वायर इन दिस वीडियो. सो स्टूडेंट, आर यू रेडी टू मेक आइस कैंडी? वेरी गुड. तो अभी हम आइस कैंडी बनाने के लिए चालू करने वाले हैं. सो ऑल ऑफ यू कीप योर मटेरियल रेडी एंड स्टार्ट मेकिंग आइस कैंडी विथ मी. तो आपको मेरे साथ ही आइस कैंडी प्रिपेयर करनी है. तो आपको सब मटेरियल्स रेडी रखना है. जो जो मटेरियल्स मैं बताने वाली हूँ वो मटेरियल्स आपको रेडी रखना है. सो लेट स्टार्ट इट. नाउ लेट अस सी हाउ टू मेक अ कैंडी बॉक्स. तो कैंडी बॉक्स बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो वी विल रिक्वायर अ पेपर टू कवर दैट मैच बॉक्स. देन मैच बॉक्स, वन मैच बॉक्स एंड वन आइसक्रीम स्टिक एंड ग्लू. देन सम डेकोरेटिव थिंग्स. सो ये थिंग हमें कैंडी बॉक्स बनाने के लिए रिक्वायर है. और एक सीजर. सो वी रिक्वायर वन मैच बॉक्स, वन आइसक्रीम स्टिक, डेकोरेटिव थिंग, ग्लू, पेपर एंड अ सीजर. सो विथ हेल्प ऑफ दिस ऑल मटेरियल वी विल प्रिपेयर अ कैंडी स्टिक. सो लेट स्टार्ट प्रिपेयरिंग कैंडी स्टिक. सो फर्स्ट आई विल टेक वन मैच बॉक्स. देन आई विल टेक अ पेपर एंड फ्रॉम दिस पेपर आई विल कट द पेपर इन अ स्मॉल स्क्वायर शेप. तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप में पेपर को कट किया है. आपको दिख रहा है, आप कोई भी कलर ले सकते हो. सीजर की हेल्प से मैंने स्क्वायर शेप में कट किया है. फिर वो स्क्वायर शेप में इसके ऊपर स्टिक करने वाली हूँ. तो आपको इसका बराबर मेजर लेना है. तो यहाँ पे मैं बराबर मेजर ले रही हूँ. कट करने के बाद आपको इसके ऊपर स्टिक करना है ये पेज को. तो मैं यहाँ पे ग्लू लगा रही हूँ. ग्लू अप्लाई करने के बाद आपको ये पेज को इसके ऊपर स्टिक करना है. ऐसे ही आपको इसके दोनों साइड से स्टिक करना है.
स्टिक करने के बाद आपको कैंडी स्टिक लेनी है और जो बॉक्स है उसके अंदर आपको डालना है। तो बॉक्स को खोलना है आपको और इसके अंदर आपको स्टिक को डालना है और फिर वो बॉक्स को क्लोज करना। फिर आपको जो भी शाइनिंग है आपके पास वो आपको लेनी है और ये कैंडी को डेकोरेट करना है। तो आपको ऐसे कैंडी को डेकोरेट करना है शाइनिंग से। तो यहाँ पे मैंने कैंडी को डेकोरेट किया है तो हमारी कैंडी रेडी है। सो यू कैन सी आर कैंडी, सो आर कैंडी इज रेडी। तो हमने क्या क्या यूज किया, हमने एक मैच बॉक्स यूज किया, फिर उसके ऊपर हमने पेपर स्टिक किया, फिर उसके ऊपर हमने ग्लू लगा के शाइनिंग लगाई और आइस क्रीम स्टिक को स्टिक किया या वो बॉक्स के अंदर डाला। सो यहाँ पे हमारी कैंडी स्टिक रेडी है। सो यू कैन सी आर कैंडी स्टिक। सो स्टूडेंट, I hope you have understood our today's lecture. So now let us recap what we have learned in today's lecture. So in today's lecture, we have learned how to make ice candy using an empty matchbox. तो आज के लेक्चर में हमने matchbox से आइस कैंडी कैसे प्रिपेयर करती है वो हमने बनाने के लिए सीखा। तो उसके लिए हमने कौन से मटेरियल यूज़ किए, वन एम्प्टी मैचबॉक्स, कलर क्राफ्ट पेपर, आइसक्रीम स्टिक, ग्लू एंड डेकोरेटिव मटेरियल। फिर उसके बाद हमने स्टेप्स फॉलो किए, लाइक टेक एन एम्प्टी मैच बॉक्स, पेस्ट डिफरेंट कलर पेपर स्ट्रिप, नाउ पेस्ट एन आइसक्रीम स्टिक एट द बैक ऑफ बॉक्स, देन डेकोरेट द आइस कैंडी यूजिंग डेकोरेटिव मटेरियल। तो ये सारे स्टेप्स, ये सारे मटेरियल्स हमने आइस कैंडी प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किए थे। फिर आइस कैंडी क्या है वो भी हमने आज देखा। तो दो टाइप्स के आइस कैंडी रहते हैं, जैसे चॉकलेट आइस कैंडी एंड नॉर्मल चॉकलेट कैंडी एंड आइस कैंडी। तो अभी फिर से वो सब मटेरियल्स और कैसे बनाते हैं वो वीडियो में फिर से आपको एक रिकैप में दिखाने वाली हूँ। तो हैव अ लुक ऑन दैट वीडियो। So first I will take one matchbox, then I will take a paper and from this paper I will cut the paper in a small square shape. तो यहाँ पे मैंने square shape में paper को cut किया है, आपको दिख रहा है, आप कोई भी color ले सकते हो। scissor के help से मैंने square shape में cut किया है, फिर वो square shape में इसके ऊपर stick करने वाली हूँ। तो आपको इसका बराबर measure लेना है, तो यहाँ पे मैं बराबर measure ले रही हूँ। कट करने के बाद आपको इसके ऊपर स्टिक करना है ये पेज को, तो मैं यहाँ पे ग्लू लगा रही हूँ। ग्लू अप्लाई करने के बाद आपको ये पेज को इसके ऊपर स्टिक करना है। ऐसे ही आपको इसके दोनों साइड से स्टिक करना है। स्टिक करने के बाद आपको कैंडी स्टिक लेनी है और जो बॉक्स है उसके अंदर आपको डालना है। तो बॉक्स को खोलना है आपको और इसके अंदर आपको स्टिक को डालना है और फिर वो बॉक्स को क्लोज करना। फिर आपको जो भी शाइनिंग है आपके पास वो आपको लेनी है और ये कैंडी को डेकोरेट करना है।
तो आपको ऐसे कैंडी को डेकोरेट करना है शाइनिंग से। तो यहाँ पे मैंने कैंडी को डेकोरेट किया है, तो हमारी कैंडी रेडी है। यू कैन सी आर कैंडी, सो आर कैंडी इज रेडी। तो हमने क्या क्या यूज किया, हमने एक मैच बॉक्स यूज किया, फिर उसके ऊपर हमने पेपर स्टिक किया, फिर उसके ऊपर हमने ग्लू लगा के शाइनिंग लगाई और आइस क्रीम स्टिक को स्टिक किया या वो बॉक्स के अंदर डाल। सो यहाँ पे हमारी कैंडी स्टिक रेडी है, सो यू कैन सी आर कैंडी स्टिक। नाउ स्टूडेंट, इट्स अ होमवर्क टाइम। सो अभी आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है, तो आपको ये जो आइस कैंडी मैंने आज सिखाया है वो आपको आइस कैंडी घर पे बनाना है। तो यू हैव टू मेक दिस आइस कैंडी। जो आइस कैंडी आज मैंने सिखाया है वो आइस कैंडी आपको घर पे बनाना है। बनाने के बाद आपको उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है। आफ्टर मेकिंग आइस कैंडी यू हैव टू टेक द फोटो ऑफ दैट आइस कैंडी एंड यू हैव टू सेंड टू मी। तो आपको वो आइस कैंडी प्रिपेयर करना है और वो आइस कैंडी बनाने के बाद उसका फोटो खींच के मुझे भेजना है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस। सो आई होप यू विल मेक द आइस कैंडी एंड यू विल सेंड मी द फोटो ऑफ इट। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।